किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसकी गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गांववासियों को मुख्यधारा में लाना असंभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गांववासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गांव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक छजलेट में स्थित गांव अलीपुर खालसा पड़ा। लगभग 3050 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गाँव के प्रधान खलील अहमद हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 165 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 8 सीसीटाइज रोड, प्राइमरी विद्यालय की बाउंड्री तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 300 शौचालयों का एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35 आवास का भी निर्माण कराया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गाँव में 25 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 10 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 700 विद्युत पोल, 25 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 20 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सड़क निर्माण, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर तथा 100 आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम खलील अहमद, ग्राम पंचायत अलीपुरा खालसा, ब्लॉक छजलाइट, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हूँ। मैंने अब तक गांव के अंदर सीसी टाइल्स काफ़ी सड़कें बनवा दी हैं। गांव के अंदर पानी की निकासी के लिए नाली नहीं थी, नाली बनवाई हैं, और प्राथमिकता पर इस टाइम शौचालय चल रहे हैं। सरकार की मंशा है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, तो जितने की मैंने डिमांड करी थी सरकार ने उतने शौचालय दिए हैं। कार्य प्रगति पर है, 319 शौचालय हैं जिसमें पौने 200 शौचालय बन चुके हैं। कार्य तेजी के साथ हो रहा है। स्कूल प्रांगण में भी स्कूल की बाउंड्री वॉल हो चुकी है और एस्टीमेट बना है उसका, उसमें भी मतलब जो है सीसी टाइल्स, मिट्टी भराव वगैरह ये कराने हैं। गांव में अभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे पंचायत घर गांव के अंदर नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बारात घर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इन चीज़ों का भी बजट ग्राम प्रधान को दे, गांव में ये चीज़ होनी चाहिए। और काफ़ी काम चला है, सौर ऊर्जा भी लगने वाली है। सरकार से हमें बस यही है कि हमें तीन चीज़ गांव के अंदर दे दे, बाकी सरकार का काम ठीक ठाक है। हम सरकार से खुश हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर ना मिलने के कारण गांव विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। ग्राम पंचायत अलीपुरा खालसा, विकास क्षेत्र छजलेट, जनपद मुरादाबाद का निवासी हूँ। हमारे गांव में प्रधान जी के द्वारा 300 प्लस शौचालय बनवाए गए और गरीब लोगों की कॉलोनी, सड़क काम अच्छी तरीके से कराया जा रहा है, और जो कुछ काम रह रहा है वो भी प्रगति पर है और आगे उम्मीद है कि हो जाएगा। लेकिन गाँव में ना ही कोई बारात घर है और ना ही कोई पंचायत घर है, जिससे लोगों को शादी करते हैं तो तंग जगह होने की वजह से और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए निकट भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना आए, पंचायत घर और बारात घर की व्यवस्था की जाए, ऐसी उम्मीद रखते हैं। फाइनली ग्राम अलीपुरा खालसा, हमारे यहाँ प्रधान जी ने बहुत सुविधा लाए हैं, लैट्रीन सड़कें बनवाई, जाल बिछवाए नालियों पर, कॉलोनियाँ आई हैं, बहुत काम कराए प्रधान जी ने हमारे गाँव के अंदर। अब भी बहुत योजना आ रही है, रोड की सफाई उफाई या घर जो भी कूड़ा करकट है सब सफाई होती है यहाँ की, हर रोज़ डेली सफाई करने वाले आते हैं, स्कूल में सब जगह सफाई होती है।